स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स का होल नंबर चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। तो होल नंबर क्या होता है? अभी हम वैसे नंबर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिट नंबर तक, तो आप ये काउंटिंग नंबर जानते हैं, ठीक है? तो इनको कौन सा नंबर कहते हैं? हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और होल नंबर किसे कहते हैं? जब इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, जीरो क्या हो जाता है, इनमें इंक्लूड हो जाता है इस नंबर के साथ, तो इसको हम होल नंबर कहते हैं। देखिए, होल में ओ है और जीरो ये है आपका, तो जब इस नंबरों में, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है, उसे हम होल नंबर कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती कि होल नंबर है क्या। अभी तक हम काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ा, ठीक है। अब 1 का प्रेडिसेसर मांगा गया कि 1 का प्रेडिसेसर क्या होगा। जब 1 का प्रेडिसेसर हमारे पास नहीं था, 1 का प्रेडिसेसर 0 है, तो जब हम 0 को काउंटिंग में ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर। तो आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेडिसेसर ससेसर, ठीक है। अब प्रेडिसेसर, देखिए आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि व्हाट्स कम बिफोर, व्हाट्स कम आफ्टर। जैसे आपको सिंपल में बता रही हूँ कि व्हाट्स कम बिफोर, अब 5 के बिफोर क्या आएगा? 5 के बिफोर आपके 4 आएगा, ठीक है। व्हाट्स कम्स आफ्टर, तो 5 के आफ्टर क्या आएगा? आपका 6 आएगा। बट हमको ये छोटे छोटे नंबरों को नहीं पढ़ना है, यहाँ आपका क्या देगा? बड़े नंबर आ जाएगा, बड़े डिजिट्स आएगी, जैसे कि 8, 9, 6, 5, 4 या 1, 2, 0, 1, 9, 9। अब इस नंबर में यदि हमको प्रेडिसेसर निकालना है या हमको प्रीवियस नंबर निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे? -1। क्या कर देंगे? -1। तो ठीक है, चलिए हम इसमें -1 करते हैं। तो 4 में 1 गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 आ गया, 5, 6, 9, 8, ठीक है। अब आपको ये क्या प्राप्त हो गया, क्या गिवन है आपको? ये मिल गया आपको प्रीवियस नंबर प्राप्त हो गया, इसको बिफोर नंबर या प्रेडिसेसर नंबर कहते हैं। ससेसर क्या होता है? व्हाट्स कम्स आफ्टर, कि इस नंबर के बाद क्या आएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? +1 करते हैं। प्रेडिसेसर में -1 और ससेसर में +1। तो जब हमने इसको +1 किया, ठीक है, 9, 1, 10 कैरी 1, 10 और ये 2 हो गया, ये 0, 2, 1। तो आपको क्या हो गया? ये नंबर नेक्स्ट नंबर आपको प्राप्त हो गया, जिसको हम ससेसर भी कहते हैं। तो आपका जो पहले तो चैप्टर है आपका होल नंबर, आपको होल नंबर मैंने बताया कि जीरो, नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो आपका होल नंबर आ जाता है। नेचुरल नंबर सीधे सीधे काउंटिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक था प्रेडिसेसर और ससेसर। तो प्रेडिसेसर आपको लाने के लिए -1 करना पड़ता है किसी नंबर में, और ससेसर लाने के लिए, नेक्स्ट नंबर लाने के लिए आपको +1 करना पड़ता है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक नंबर लाइन। अब नंबर लाइन 3 प्रकार की होती है। चलिए एक हम लाइन बना लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन पढ़ रहे हैं। अब नंबर लाइन से हम क्या करना सीख रहे हैं? ऐड करना सीख रहे हैं, एडिशन नंबर लाइन। तो यदि लिखा है 4+2, तो आपको आगे वाले नंबर को देखना है। आगे वाला नंबर क्या है? 4। अब 4 के बाद क्या करना है? 2 नंबर आगे जाना, तो 1 स्टेप 2 स्टेप, तो ये क्या आ गया आपका? 6। तो 4+2 6, मान लीजिए आपका दिया है 2+5 2+5। तो आपको सबसे पहले कौन सा नंबर देखना है, जल्दी बताइए? आगे वाला नंबर देखना है 2। तो आप 2 पे गए, आपको कितने स्टेप आगे जाना है? 5 स्टेप। तो 1, 2, 3, 4, 5, आपका आंसर आ गया 7, ठीक है। तो ये तो ऐड हो गया। अब इसी नंबर लाइन में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं इसी को इरेज करती हूँ। सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करना भी बहुत ईजी है नंबर लाइन में।
जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। आप ये सोचेंगे कि मैम हमको प्रीवियस क्लास का क्यों बता रहे हैं, लेकिन आपके ये इंट्रोडक्शन में नंबर लाइन दी गई है। जैसे आपका दिया है सिक्स माइनस थ्री, तो आपको सबसे पहले सिक्स में जाना है, ठीक है, हम सिक्स में चले गए। अब माइनस थ्री, जब माइनस होगा तो आप लेफ्ट साइड आएंगे, और जब प्लस होगा तो आप राइट साइड जाएंगे, ठीक है। अब माइनस है तो सिक्स माइनस थ्री, तो आप क्या आएंगे, आप लेफ्ट साइड। तो सिक्स में तीन कैसे जाए पीछे, वन टू थ्री, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, थ्री। तो सिक्स माइनस थ्री इक्वल थ्री। इसी तरह आपका मान लीजिए नाइन माइनस थ्री, तो आप किस पे जाएंगे, नाइन पे जाएंगे। पहले नाइन पे गए, अब आपको कहाँ आना, माइनस है तो लेफ्ट साइड आना, कहाँ आना, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड आते हैं वन टू थ्री, तो इक्वल कितना आ गया, सिक्स आ गया, ठीक है। अब नंबर लाइन में आपको एक और बताया गया, आपने ऐड सीखा सब्ट्रैक्ट सीखा, अब आपको सीखना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। अब जैसे मैंने नंबर लाइन बना ली, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व, ठीक है, बराबर आप लिखेंगे। अब आप लिख रहे हैं फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री, तो आपको क्या करना है, थ्री बार फोर फोर नंबर जंप करना है, ठीक है, जीरो से फोर, फिर नहीं नहीं सॉरी, आप थ्री थ्री नंबर फोर बार जंप करेंगे, थ्री थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व। तो ये आपका कितनी टाइम जंप किया आपने, फोर टाइम जंप किया, आप कहाँ पहुँच गए, ट्वेल्व में, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व। तो आपको ये नंबर लाइन सीखना है। थैंक यू।